रहे आजाद नगर भाभड़ा से कृषि विभाग के अधिकारियों के द्वारा की गई कार्रवाई से बौखलाए खाद व्यापारियों ने की दुकानें बंद। खाद के लिए भटक रहे हैं किसान। आजाद नगर भाभड़ा में खाद व्यापारी के द्वारा किसानों को अधिक भाव में खाद बेचा जा रहा था, जिसकी शिकायत 14 अगस्त को लिखित में विनोद पिता रतन सिंह सेमलिया ग्राम अमनकुआ ने कृषि विभाग के अधिकारियों से की थी। विनोद के द्वारा बताया गया कि चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित ऊषा ट्रेडिंग कंपनी प्रोपाइटर सुरेश धाकरे की दुकान से 5 थैली यूरिया प्रति थैली रुपए 350 यानी कि 350 की दर से खरीदी, जिसका कुल मूल्य 1750 रुपए हुए। वह प्रावीण पिता हाबू निनामा ग्राम रोलीगांव ने शिकायत की है कि 3 थैली यूरिया खाद की 400 रुपए में उन्होंने खरीदी, जिसका कुल मूल्य 1350 रुपए हुआ। कृषि विभाग के अधिकारी मान सिंह चंगोड़ की टीम के द्वारा जब जांच की गई तो पाया गया कि किसानों को अपर व्यापारी 350 रुपए से 450 रुपए में प्रति यूरिया खाद की बोरी बेचते पाया गया है, जबकि शासन द्वारा निर्धारित रेट 266 रुपए है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने उसे ट्रेंडिंग कंपनी प्रोपराइटर सुरेश ठाकरे की दुकान का पंचनामा बनाकर स्टॉक चेक कर माल जब्त किया। आजाद नगर भाभड़ा से जितेंद्र यादव की खास रिपोर्ट। नाम विनोद, कितने में ली थी खाद की थैली? 350 में। कितने थैली ली थी आपने? 5 थैली 350 रुपए के रेट में। कौन से गांव से? पंचनामा बनाया था खाद की दुकान पे किसानों की शिकायत पे, तो आगे की आपने क्या कार्रवाई की? जी 14 तारीख को शाम को करीब 6 बजे के आसपास किसानों द्वारा मुझे शिकायत प्राप्त हुई लिखित रूप से कि यूरिया अधिक भाव में बेचे जा रहे हैं। तो मैं तुरंत उस फार्मर पे पहुंचा, और वहाँ पे पंचनामा बनाया मैंने, और पंचनामा बना के वहाँ पे स्टाक वगैरह सब हमने टटोला। तो शिकायत में पाया है कि वाकई में 450 रुपये में यूरिया के बैग दे रहे थे। कार्रवाई करवाएंगे। तो नगर में बहुत सारे अवैध गोदाम हैं जहाँ खाद भरी हुई है, उन पे कार्रवाई कब होगी? अभी फिलहाल में कलेक्टर सर के निर्देश अनुसार और खुद उपसंचालक महोदय हमारी टीम में थे, और हम लोग हर लाइसेंस पे गोडाउन का वो कर रहे हैं कि वो वैध है या अवैध है, उसका चिन्हित करके, और अगर ऐसा पाया जाता है कि अवैध भंडारण है और जहां खाद भरा हुआ है उस पर वरिष्ठ लाइसेंस से वैधानिक कार्रवाई के लिए हम बिल्कुल अनुशंसा करेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम। जिन किसानों को 450 रुपये में जो खाद वितरण की गई थी सर, उनके नाम? उसके नाम परवीन है, परवीन करके है खेरिया माली का, और उन्होंने लिखित रूप से मुझे कथन दिया है, तो उसके अगेंस्ट मैंने पंचनामा बनाया, और 14 ही तारीख को मैंने जिले में पुटअप करा रात में। तो जस्ट 15 तारीख को सुबह 10 बजे जिले के दल आया था, दोनों दुकान का इन्वेस्टिगेशन किया है, और ताकि अभी यूरिया का क्राइसिस चल रहा है तो हमने जितना माल जो बरामद किया है जब्ती में लिया है उसको मानक दर पे जो शासन के निर्धारित दर पे बेचने का निर्णय लिया है, और उन दुकानदारों को नोटिस जारी किए हैं, और जो माल विक्रय होने के बाद में और उनका जवाब आने पास संतोषजनक जवाब नहीं आया और तो उसके आगे की वैधानिक कार्रवाई वरिष्ठ लाइसेंस से की जाएगी। दुकान का नाम तक क्या था सर? दुकान के नाम प्रोपाइडर सुभाष, एक सुभाष है सुभाष धाकड़े और एक सुरेश धाकड़े हैं। दुकान का नाम? इनका फार्म का नाम है उषा ट्रेडिंग कंपनी सुरेश धाकड़े की है, और उषा एंटरप्राइजेस सुभाष धाकड़े की है, और उषा ट्रेडिंग कंपनी सुरेश धाकड़े की है। सर 14 अगस्त के बाद में जब आपने कार्रवाई की, उसके बाद से
सभी दुकानों ने संगठन बनाकर दुकानें बंद कर दी है और किसानों को खाद नहीं दिया जा रहा है, इस पे आप कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करते? ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये लोगों ने एक दिन संघ की बैठक रख के और कुछ प्लान बनाया था कि हम खाद, क्योंकि उनके साथ में नैनो यूरिया आ रहा है, तो हम लोग जो माल है वही किसानों को देके और बाकी हम नहीं देंगे। तो इसके लिए हमने ये वो किया है कि जो नैनो यूरिया की बोतल है वो साथ में आप दीजिए और निर्धारित दर पे यूरिया को बंटवाइए। ये हमारे वरिष्ठ राय के निर्देश अनुसार कुछ सामंजस्य बना के और हमने ये करवाया है, तो अभी विधिवत चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आपका नाम? मेरा नाम मान सिंह चंगोड़, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी चंद्रशेखर आजाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।